के विरोध और बॉयकॉट का सिलसिला अब बॉलीवुड से होते हुए मराठी सिनेमा तक पहुंच गया है। हाल ही में रिलीज शरद केलकर की मराठी फिल्म हर हर महादेव पर बवाल शुरू हो गया है। एनसीपी नेता जितेंद्र चौहान ने यहां पर 25 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म का मुंबई में न सिर्फ विरोध किया है बल्कि सिनेमाघर पहुंचकर शो बंद करवाने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, ठाणे के एक मल्टीप्लेक्स में उनके समर्थकों ने फिल्म देखने पहुंचे एक शख्स की पिटाई तक कर दी। बता दें कि एनसीपी के नेता और उनके समर्थकों का आरोप है कि हर हर महादेव फिल्म में छत्रपति शिवाजी से जुड़े इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एनसीपी के नेता जितेंद्र चौहान और 100 कार्यकर्ताओं पर वर्तक नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। हे चित्रपटाचं जे दाखवत आहेत प्रस्तुतीकरण आहे, हे विद्रुपीकरण आहे इतिहासाचं। म्हणजे मावळा कसा असायला पाहिजे, शिवाजी महाराज म्हणजे जे शकावलीमध्ये जे लिहिलेलं आहे त्याच्या विरोधात बरोबर हे चित्रपटात आलंय। मावळा असा गोरा पान दिसायला चिकना असं कधी मावळा आलाय, किंवा शिवाजी महाराज असे मांडीवरती आणि त्यांचा कोतळा फाडलाय, हे कुठेच दिसलेलं नाही, इतिहासात कुठेच नाहीये।